हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं आकाश सर मेरा ऐसे लिख के हो गया ये क्या लिखा है तुम्हें पता है सेंटेंसेस में हम कॉमा लगाते हैं कहा है इसमें एक भी कॉमा नहीं है ये लो पूरा ऐसे फिर से लिखो और सही कॉमा के साथ लिखो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच दो तीन चार पाँच हो गया सर सर मैंने ऐसे में सारे कॉमास लगा दिए ये कैसे कॉमा लगाया है जहां मन मर्जी कॉमा लगा दिया है सारे कॉमास गलत है ठीक है इस ऐसे को फिर से लिखो सर क्या आप भी कॉमा जहां मन मर्जी आए वहां ठोक देते हो दोस्तों इंग्लिश में ना कॉमा लगाने के कुछ रूल्स है और ये रूल्स समझना बहुत जरूरी है तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश कॉमा के थर्टीन रूल्स जो आपको मालूम होने चाहिए मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न जहा सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए करते लेसन की शुरुआत तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे थर्टीन कॉमा रूल्स एवरी वन शुड नो यानी कि ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि आपकी ईमेल राइटिंग एसे राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स अगर आपको लिखने हैं तो उनमें बहुत काम आएंगे कॉमा रूल्स तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत यहां पर एक सेंटेंस है आई वेंट टू द बीच कॉमा एंड आई गॉट अ सनबर्न अभी यहां पर मैंने कॉमा लगाया है आई वेंट टू द बीच के बाद ये कॉमा मैंने क्यों लगाया है ये पहले समझते हैं तो रूल नंबर वन है मा बिफोर अ कोअर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एंड है जो दो इंडिपेंडेंट सेंटें को जोड़ रहा है with two independent clauses. Clauses का क्या मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो अगर आप पहला सेंटेंस देखो आई वेंट टू द बीच राइट आई एक सब्जेक्ट है और वेंट क्या है वर्ब है तो यह क्या है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसी तरह से आई गॉट सनबर्न ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हो कंजंक्शन के साथ तो कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले एक कॉमा आएगा क्लियर और कौन से बट फॉर और सो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इनके पहले भी कॉमा आएगा आई होप रूल नंबर वन इज क्लियर बढ़ते हमारे रूल नंबर टू की तरफ फाइनली आई वेंट टू द मॉल हो सकता है एक बड़े आर्टिकल का एक छोटा सा सेंटेंस है और हो सकता है ये पैराग्राफ की ये सेंटेंस पैराग्राफ की शुरुआत कर रहा है फाइनली कॉमा आई वेंट टू द मॉल राइट सो फर्स्ट मैंने ये किया सेकंड मैंने ये किया थर्ड मैंने ये किया फाइनली आई वेंट टू द मॉल फाइनली वर्ड क्या है ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है तो जब भी आप किसी पैराग्राफ के स्टार्ट में या सेंटेंस के स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज करोगे तब उसके बाद हमेशा कॉमा लगेगा ई होप दैट इज क्लियर जैसे फर्स्ट कॉमा आई डिड दिस सेकेंड कॉमा आई डि दिस और कौन सा है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हावेवर ही मेड इट टू द फाइनल एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है ऑन दी अदर हैंड वी कैन लुक एट सम मोर ऑप्शन ऑन द अदर हैंड फर्द मोर आई लाइक टू से ये सारे क्या है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है ईज आर ऑल इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जैसे फाइनली भी एक इंट्रोडक्टरी वर्ड आई होप क्लियर। बढ़ते फोन no, yes, भी आपके बाद की नो या यस के बाद कॉमा लगेगा तो ये रूल तो समझने में बहुत ही आसान था बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की तरफ जो है रूल नंबर फोर सनी क्रीम द टाइप ऑफ लोशन आई यूज फॉर ड्राई स्किन डिंट वर्क वेल सनी क्रीम क्या है क्रीम का नाम है सनी क्रीम यूज कॉमासट अपि अपॉजिटिव क्या होते हैं अपॉजिटिव वो होते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम कहते हैं अपॉजिटिव जैसे इस केस में अपजिटिव नंबर वन है द टाइप ऑफ लोशन आई यूज फॉर ड्राई स्किन पर एक किस बारे में हम बात कर रहे हैं सनी क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमें सनी क्रीम के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है और ऑपोजिटिव टू है डिंट वर्क वेरी वेल अगेन वो हमें क्रीम के बारे में ही बता रहा है तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में और जानकारी देनी हो हर जानकारी के बाद आप कॉमा लगाओगे टू ऑफसेट दी ऑपोजिट आई होप ये समझने में आसान था चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ वेन आई वोज इन दुबई कॉमा ई वेंट शॉपिंग ऑन अ डेजर्ट सफारी एंड विजिटेड फरारी पार्क तीन चीजें मैंने की यूज कॉमास टू सेपरेट आइटम जब मैं दुबई में था मैंने तीन आइटम किए यानी तीन चीजें की क्या क्या किया फर्स्ट आई वेंट टू शॉपिंग सेकेंड ऑन अ डेजर्ट सफारी थर्ड आई विजिटेड फरारी पार्क तो जब भी तीन अलग अलग चीजें अगर आपको बतानी हो तभी भी आप कॉमा का यूज करोगे क्योंकि अदरवाइज सेंटेंस

एंड शी फर्दर कोटेड उसने और कुछ कहा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं किसी ने जो कहा वैसे के वैसा मैं बता रहा हूं मैं अपना उसमें कुछ भी एड नहीं कर रहा हूं उन्हें कोर्ट कर रहा हूं और इसे ही हम कहते हैं टू कोर्ट समन राइट यूज कौवा बिफोर एंड आफ्टर द कोर्ट इस सेंटेंस में कोर्ट कौन सा है पोपल में द फ्लड दर इंटेंस ये रिपोर्टर ने कहा तो इसके पहले और बाद में हमेशा कॉमा लगेगा अगर आगे का सेंटेंस आप देखो एंड शी फर्दर कोटेड अगर उसने कुछ और कहा होता इनवाइटेड कॉमास में आता तो उसके बाद भी पहले भी और बाद में भी कॉमा लगेगा आई होप दैट इज क्लियर बढ़ते हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ आई स्टे इन मुंबई महाराष्ट्र आई स्टे इन मुंबई महाराष्ट्र मुंबई क्या है एक सिटी है और महाराष्ट्र क्या है एक स्टेट है यूज कॉमा बिट्वीन सिटी एंड स्टेट जब भी आपको आपके शहर का नाम और स्टेट का नाम बताना हो साथ में तो दोनों के बीच में एक कॉमा आएगा आई एम होप समझने में बहुत ही आसान है बढ़ते हैं रूल नंबर नाइन की तरफ आई वोर अ वाइट शर्ट नॉट अ ब्लैक शर्ट वेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू यूज कॉमा टू सेपरेट नेगेशन नेगेशन इन सेंटेंस क्या है इस सेंटेंस में जो नेगेशन है नॉट ब्लैक हम आई वो अ व्हाइट शर्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है नॉट अ ब्लैक ये एक नेगेशन है मैंने ये नहीं किया ये बताने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं और एक निगेट करता है पहले वाले पॉजिटिव सेंटेंस को सही कहते हैं निगेशन आई वोर अ व्हाइट शर्ट नॉट अ ब्लैक शर्ट वेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू तो जब भी ऐसा कोई निगेशन आएगा सेंटेंस में तो उसके पहले और बाद में दोनों जगह कॉमा लगेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार भूल जाते हैं और अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स तो कटने ही कटने हैं बढ़ते हैं रूल नंबर टेन की तरफ फ्राइडे ऑगस्ट फिफ्टीन 1947 फोर्टी सेवन इज वेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ये तो समझने में बहुत ही आसान है यूज टू सेपरेट एलिमेंट इन अ फुल डेट फ्राइडे ऑगस्ट फिफ्टीन 1947 फोर्टी सेवन ये क्या है एक फुल डेट है तो मैंने क्या किया है यहां पर वीक वीकडे जो कि फ्राइडे है मंथ जो कि ऑगस्ट है डे फिफ्टीन है डेट और ईयर 1947 फोर्टी सेवन इन सबको सेपरेट किया है एक एक कॉमा से क्लियर पढ़ते हैं रूल नंबर इलेवन की तरफ जो है My angry, abusive बॉस हैज नो kindness एट ऑल क्या आपका बॉस भी ऐसा ही है कहने का मतलब मेरा गुस्सेल बॉस और गाली कलोच करने वाला बॉस के दिल में कोई दया नहीं है कोई काइंडनेस ही नहीं है यूज अ कॉमा बिटवीन टू एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई द सेम नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये इसमें एडजेक्टिव क्या है एंग्री है और अब्यूजिव है और वो ये दोनों एड्जेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहे हैं बॉस के बारे में बता रहे हैं ना बॉस एक नाउन है और उसे ये दोनों एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी के बारे में बता रहे हैं तो जब दो एडजेक्टिव्स आप यूज करोगे एक सेंटेंस में एक नाउन सिर्फ एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो उन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में एक कॉमा लगेगा आई एम श्योर यह समझने में बहुत ही आसान था और हम बढ़ते हैं रूल नंबर ट्वेल्व की तरफ आई एम गोइंग टू कॉलेज मॉम डैड आई एम हैविंग डिनर जब भी आप किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हो किसी को कोई चीज डायरेक्टली बता रहे हो तो जिसे बता रहे हो उसके पहले एक कौमा आएगा आई एम गोइंग टू कॉलेज मॉम या मॉम आई एम गोइंग टू कॉलेज मॉम कॉमा आई एम गोइंग टू कॉलेज डैड आई एम हैविंग डिनर क्लियर बहुत ही सिंपल है समझने में देखिए छोटी छोटी बातें हैं पर अगर आप कोई एक एग्जाम ले रहे हो लिख रहे हो ऐसे लिख रहे हो उन सब में चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है क्योंकि सामने वाला जब कोई चीज पढ़ता है ना वो उसका एक पिक्चर बना लेता है पर अगर आप ये छोटा छोटी सी चीज है कॉमा पर उसे यूज नहीं करोगे तो कभी कभी उसका मतलब चेंज हो जाता है पढ़ने का जो मजा है ना वो खराब हो जाता है और बढ़ते हमारे आखिरी रूल की तरफ जो है स्टार्टिंग सैलरी इज हंड्रेड कॉमा थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड यूज कॉमा बिफोर सीक्वेंस ऑफ थ्री नंबर आई एम श्योर ये तो आपको पता है हर तीन डिजिट के बाद जब नंबर बड़ा हो तो हम उसके पहले कॉमा लगाते हैं द कंपनी इज वर्थ थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 नंबर कितना है मतलब इसे क्या कहते हैं करोड़ लाख आई डोंट नो आप मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कि थ्री और उसके आगे इतने जीरो उसे क्या कहेंगे मिलियन होगा लाख होगा बिलियन होगा ट्रिलियन होगा क्या होगा ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीखा है वो है कॉमा सही जगह पर कैसे लगाना है ठीक है गलती मत करना इन रूल्स को याद रखना बहुत ही सिंपल रूल्स है समझने में और इनमें से पांच रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हम यूज करते हैं जब भी, भी हम लिखते हैं मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में तब तक एज यूजल कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर